जय श्री कृष्ण प्रिय भाई बहनों, प्रभु के साथ किसी भी रिश्ते को बनाकर उसे निभाने में, उनसे सच्चा प्रेम करने में, उनका ध्यान स्मरण करने में जिस आनंद की अनुभूति होती है, वह जगत के किसी भी रिश्ते में, किसी भी वस्तु में प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब हम सच्ची भावनाओं से हर समय प्रभु के ध्यान स्मरण में डूबे रहते हैं, उन्हीं के चरित्रों का वखान करते हैं, उन्हीं के चरित्रों का श्रवण करते हैं, उसी में हमें आनंद प्राप्त होता है और हमारा हृदय प्रभु के प्रेम रंग में पूर्णतः रंग जाता है। हर समय हम उन्हीं के विचारों में डूबे रहते हैं, तब होता है सच्चा प्रेम। और उस अवस्था में हमें अपने शरीर का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, कुछ भी भान नहीं रहता। ऐसी अवस्था में लोग पागल ही समझने लगते हैं। ऐसा ही एक चरित्र इसमें मैं इस कहानी में आपको सुनाने वाला हूँ, जो वृंदावन से जुड़ा हुआ है। वृंदावन में यमुना नदी के किनारे केसी घाट के पास यमुना जी का एक मंदिर बना हुआ है। उसी के पास में एक पीपल का पेड़ था, जहाँ पर कचरे का ढेर लगा रहता था। उसी ढेर में एक पागल पड़ा रहता था। वह समाज की नज़रों में पागल था, परंतु वास्तविक रूप से वह पागल था नहीं, वह आध्यात्मिक ज्ञानी था और समाज को दिखाने के लिए हर समय पागलों जैसा बर्ताव करता था। उसका यह सत्य कि वह पागल नहीं है, बड़ा ही धर्मात्मा पुरुष है, सामने कब आया? जब एक समय की बात है कि उसी के समीप में केसी घाट के थोड़ी दूरी पर चलने पर एक सुदामा कुटी बनी हुई है। वहाँ पर एक व्यास जी कथा कर रहे थे, तो उसके ऊपर छत का जो भाग था जिस दूसरी साइड में, उस पर एक तुरई लगी हुई थी, लाउड स्पीकर लगा हुआ था, जिसकी आवाज़ उस पागल के कानों तक आती थी। वह उस सत्संग को सुनता था और उसी में रमणा रहता था पूरे दिन। एक दिन की बात है, अचानक ही वह लाउड स्पीकर जो उस पागल वाली साइड को लगा हुआ था, वो लाउड स्पीकर ख़राब हो गया, वो तुरई ख़राब हो गई, जिसकी वजह से वह जो कथा चल रही थी उसका श्रवण नहीं कर पा रहा था। जब वह उस कथा का श्रवण नहीं कर पा रहा था, तो उस कचरे के ढेर से उठ करके वह सीधा वहाँ गया जहाँ व्यास जी उस कथा को कर रहे थे, कह रहे थे। तो सुदामा कुटी के अंदर जो हॉल बना हुआ है, उस हॉल में जहाँ व्यास पीठ जी बैठ करके कथा सुना रहे थे, वह उसी के गेट पर जाकर खड़ा हो गया और उस कथा को सुनने लगा। उस समय व्यास जी करमेती बाई के चरित्र को सुना रहे थे, जिसकी सच्ची कहानी मैंने अपने वीडियो में भी डाली हुई है। बहुत ही प्रेरक और भाव विभोर कर देने वाली सच्ची कहानी है वो। तो जब करमेती बाई का चरित्र चल रहा था, व्यास जी जब सुना रहे थे, तो वह पागल झरझर करके रो रहा था। उस चरित्र को सुन करके इतना भाव विभोर हो गया था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक उन व्यास जी की नज़र उस पागल पर पड़ जाती है, वो उसे देख लेते हैं। उस समय तो वह कुछ नहीं कहते, अपनी कथा का गान करते रहते हैं, कथा का व्याख्यान करते हैं पूरा। जब वह कथा समापन की ओर होती है, जब वह कथा समाप्त कर लेते हैं, उसके पश्चात वह अपनी गद्दी से उठ करके जाते हैं उस ढेर के पास जहां वह पागल पड़ा रहता था, क्योंकि उसको सब जानते थे कि वह पागल वो है, हर समय वहीं पर रहता था, उसी कचरे के ढेर के पास, उस पीपल के पेड़ के पास। उसे तो लोगों ने इस तरह भी देखा था कि झूठे जो दोना पत्तल होते थे उन्हें भी चाट लेता था, किसी तरह अपनी भूख को शांत कर लेता था, बाकी समय वह पागलों की तरह ही व्यवहार करता था, पड़ा रहता था। तो जब व्यासपीठ जी उसके पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि भाई तुम कौन हो? तो वह मुस्करा करके बोला कि मैं पागल हूँ महाराज जी।
व्यास जी ने कहा, नहीं नहीं यह तो आप असत्य कह रहे हो। आज हमें पता चल गया है कि आप पागल नहीं हो, और आप सच सच बताओ कि आप आखिर हो कौन और यहाँ कचरे के ढेर में क्यों पड़े रहते हो। जब उन्होंने व्यास जी ने ज़्यादा दबाव डाला, ज़्यादा पूछने की कोशिश की, तब उसने बताया, प्रिय भाई बहनों, वह MSc फर्स्ट क्लास पास था और फरुखाबाद के पास कोई गांव था, वहां का रहने वाला था, कान्यकुब्ज ब्राह्मण। उसने यह घटना उन व्यास जी को बताई और उसके बाद में उन्हें सौगंध देकर के, ठाकुर जी की सौगंध देकर के ये कहा कि यह बात आप किसी को नहीं बताओगे। तो उन्होंने यह बात तो उस समय तो किसी को नहीं बताई। इस बात का प्राकट्य तब हुआ जब वह महान आत्मा अपना शरीर छोड़ चुके थे। वहीं उसी पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने शरीर छोड़ा था। उन्होंने यह बात बताई व्यास जी को। व्यास जी ने यह कहा कि आप यहाँ कचरे के ढेर में क्यों पड़े रहते हो। तो उन महापुरुष ने कहा कि मैं प्रभु को पाने के लिए, प्रभु के दर्शनों के लिए यहाँ पड़ा रहता हूँ। तो उन व्यास जी ने कहा कि क्या आपको प्रभु के दर्शन हुए हैं या ऐसे ही पड़े रहते हो। इस पर वह महान आत्मा बोले कि हाँ हुए हैं, मैं प्रभु के नित्य प्रत दर्शन करता हूँ। इस पर व्यास जी ने कहा कि किस प्रकार से आपको दर्शन होते हैं जरा हमें भी बताइए, या फिर आप ऐसे ही बोल रहे हो कि दर्शन होते हैं। तो उन महान आत्मा ने कहा कि जिस प्रकार मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, जिस प्रकार आप मेरे समक्ष खड़े हुए हैं, इसी तरह प्रभु नित्य प्रति मेरे पास आते हैं मेरा हालचाल जानने के लिए, और हालचाल जान करके वो यहाँ से चले जाते हैं, और मैं पूरे दिन पूरे समय उन्हीं के ध्यान में डूबा रहता हूँ। सत्य ही है प्रभु। यह बात जो कही गई है कि जो एक बार प्रभु श्री कृष्ण के, प्रभु जगन्नाथ के एक बार भी दर्शन कर लेता है, वह फिर उनका दास बन जाता है। सच्चा प्रेम उसके हृदय में हो जाता है प्रभु से, फिर वह कभी उन्हें भुला नहीं पाता। जन्म उसका सफल हो ही जाता है और शरीर पूर्ण करने के पश्चात वह प्रभु के लोक को ही जाता है। प्यारे भाई बहनों, इस सच्ची कहानी का प्रसंग यही है कि जब हम पूर्णतः किसी के प्रेम रस में डूब जाते हैं, फिर हमें स्वयं का होश ही नहीं रहता। स्वयं हम इतने लापरवाह हो जाते हैं कि अपने शरीर का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। परंतु यह प्रेम है, सच्चा प्रेम, इस तरीके का प्रेम केवल और केवल प्रभु कृपा सिंधु दीन बंधु प्रभु के साथ ही होना चाहिए, अन्यथा यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारा जो आध्यात्मिक कल्याण है वह सिर्फ तभी हो सकता है, केवल तभी हो सकता है जब हम प्रभु से सच्चा प्रेम करें, और हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है। अगली किसी सच्ची कहानी में फिर से आऊँगा मन लुभावनी किसी कहानी को लेकर के। तब तक के लिए प्रेम से सहृदय प्रभु का स्मरण करते हुए एक बार कहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत आनंद आता है प्रिय भाई बहनों प्रभु का ध्यान स्मरण करने में, उनके लिए कोई भी कार्य करने में, उनको समर्पित करके कुछ भी करने में, पूर्णतः स्वयं को समर्पित करते हुए कोई भी कार्य कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी।